What's up, Pradeshi Squad? क्या हाल चाल है भाई आप सबके? Yes, I am back in Pakistan. And guys, did you miss me? No! So, अभी आप यही सोच रहे होंगे कि हम इतना तैयार श्यार होके क्यों खड़े हैं. Well, as a family, आज हमारा सबसे पहला DVC यानी कि डिजिटल कमर्शियल शूट होने जा रहा है. और मजे की बात यह है कि ये एक अच्छे कॉज के लिए है. इट्स फॉर शाहिद अफरीदी चैरिटी फाउंडेशन. और आज आप कह सकते हो कि बेगम और बच्चों का डेब्यू होने जा रहा है. सो आर यू गाइस लुकिंग फॉरवर्ड? आई थिंक बेगम तो थोड़ी नर्वस भी लग रही होंगी. आई एम एक्साइटेड. But I am nervous because I don't normally do these kind of things. So it's something very new for me. Yes. So guys, as you all know, कि बेगम जो है वो बड़ी कैमरा शाय है, इसलिए व्लॉग्स में भी बहुत कम आती है. लेकिन I'm sure you're gonna do very, very well. Well, let's see. I'll give it a try. And Subhan, you have got some lines as well, I've heard. और वो भी उर्दू में है. I'm practicing my Urdu. You've been practicing. Okay. We'll see. And Hiba, oh, वाह जी वाह. Hiba तो बड़ी खूबसूरत लग रही है. Looking nice. And Ahil. वाह यार. But let me tell you all guys कि आहिल की एक्चुअली सबसे अच्छी उर्दू है ना आहिल? Yeah. जरा बोल के दिखाओ सबको. मुझे इंग्लिश में समझ आती है. मुझे ओके देयर यू गो गाइस. ये है आहिल की जबरदस्त उर्दू. सो एज यू कैन सी वी आर वेरी एक्साइटेड. और अभी हम निकलने वाले हैं और आप भी हमारे साथ चलें तो मजा आएगा. लेट्स गो. अरे गाइस तो हम रास्ते में निकल चुके हैं और 20 मिनट में हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे अपने शूट वाली लोकेशन पे. लेकिन गर्मी आज जो है ना शदीद गर्मी पड़ रही है. लेकिन बादल भी थोड़े थोड़े आए हुए हैं एज यू कैन सी. तो हो सकता है कि आज बारिश हो जाए. अल्लाह करे आज बारिश हो ही जाए तो ठंड पै जाए. बच्चे एज यूजुअल आईपैड पे लगे हुए हैं. गर्मी लग रही है बस. गर्मी लग रही है यार आज है ही बड़ी गर्मी. हाँ जी तेन भी गर्मी लग रही. टूटियां तो ला करना. लो जी हम अपने शूट वाले घर पे पहुंच गए. तो अब देखते हैं अंदर क्या माहौल है. लो जी लास्ट मिनट में अड्डियां पहनी जा रही हैं जी. आ जाओ अंदर है शूट. लो जी शुक्र है इंडोर्स है. मैंने कहा आज तो अगर बाहर हुआ तो गर्मी में पिघल जाएंगे हम. The one and only director साहब, क्या हाल है भाई? ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. You tell, how are you? Thank you for having me, यार. I'm the director with the camera. What are you doing over here? यार मैं हम भी छोटे मोटे director हैं. सीख रहे हैं आप सब कुछ करते हैं. ये काम सही नहीं है. There's a lot of flood and droughts that has come about, and we think that on this particular 14th August we should tell people and urge people to give foundation and the donation to Shahid Afridi Foundation to help. The people over there. So hoping that we do some justice to that, and hoping that we can get Ryan Pradeshi to help us. Of course, inshallah. आप director हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? Sir, आप actor हैं तो obviously. चलें जी, आ जाएं. Subhan, it's your role. You're gonna start. You ready? आ जाएं. I'll tell you what to do. You confident? Give me a high five. That's the. So सबसे पहला scene जो है Subhan का होने जा रहा है. Almost like you enthusiastically, like you're happy to go over there, and it's like by 14th August you're going to be like, yay, you know, that kind of. Oh, okay. Yep. Go. Yes. Excellent. Cut. Very good. Wow, Subhan, आप तो pro actor हो भाई. Yes. बाबा retire हो जाए मेरे ख्याल में. So अब Hiba की बारी आएगी. हिबा का शॉट होगा झंडियां लगाते हुए. वो बाबा भी मेरा मेन रोल. तेरा मेन रोल ठीक है. हिबा यू कैन लाफ लाइक एक्साइटेड. ही एक्साइटेड. 14 अगस्त. वाह हिबा आप तो वन टेक एक्टर्स हो यार. वेरी नाइस यार तुम्हारी तो कमाल की एक्टिंग थी. उफ जबरदस्त यार. तुम कैमरे के सामने नहीं आए. The light is good. So how are you finding us so far? Awesome. You okay? Enjoying it, Hiba? Yeah. ये आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी वीडियो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. ठीक
Very nice, Sahil. The camera goes to Baba. Baba says, oh, beta, very good, mashallah. Baba's unhappy. Baba's still looking. Start off with that particular view. Come over here. Yeah. Ahil, aapko main bolunga. Let's go. And then you're going to move out. Good. Go. Yeah, still busy looking. Cut. पैसे हैं इसमें नहीं ये हमारी There you go guys, so we are on our lunch break. This is the best part of being on a shoot. Pizza party. Pizza party चल रही है. ये छोटी सी टेबल जो है इसको साइड पे करते हैं और हाँ 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 One action. Give it to dad. Go, 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 go. Cut. We got it. Very good. Yay. Last scene होने लगा है और इसके बाद wrap up. सलाबी सूरत-ए-हाल से काफी घराने मुतासिर हैं. आए हम सब मिलके इस मुश्किल वक्त में अपने वतनों का साथ दें. It's a wrap. Did you guys have fun? Yeah. Yeah. Give me a high five. Give me a high five. Give me a high five. Thank you guys. ये देखें गाइस बारिश शुरू हो गई है. मेरा शक सही निकला. अल्लाह ताला ने लगता मेरी सुन ली. कुछ और ही मांग लेता यार. अरे गाइस सो दैट्स अस ऑन द वे बैक होम और हमें बहुत बहुत मजा आया. अभी आप यही सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का एंड रिजल्ट क्या है तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. 3, 2, 1 ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले कि बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से सूबे के तमाम 34 अजला शदीद मुतासर हो चुके हैं. हलाकतों की तादाद 140 से ज्यादा हो चुकी है और अब तक 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासर हो चुके हैं. सवाल ये है कि इनकी मदद को अब कौन आएगा. आए हम सब मिल के बलूचिस्तान में बेघर लोगों को शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के जरिए फ्लड रिलीफ पहुंचाएं. पाकिस्तान जिंदाबाद. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छे कॉज के लिए है तो आप भी इसमें ज़रूर अपना हिस्सा डालें. तो अभी सीन ये कि बारिश हो रही है हल्की हल्की ठीक है और बच्चे कह रहे हैं कि स्विमिंग जाना है. मैं सोच रहा हूँ कि भाई बारिश में कौन स्विमिंग जाता है क्योंकि जो है स्विमिंग इधर ही है. उन्हीं थोड़ी देर स्विमिंग पूल बन जाना है. चेक करें जी बारिश बेचारे मोटरसाइकिल आले भेज गए ना सारे. ठंडी ठंडी बारिश तो गरम गरम जलेबियाँ बड़ा जबरदस्त कॉम्बो है. ट्राई करें किसी दिन. पकौड़े होते हैं बारिश में. नहीं पकौड़े भी होते हैं लेकिन बेस्ट जो कॉम्बो है वो जलेबी है. गरम गरम जलेबियाँ और ठंडी ठंडी बारिश. कॉमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपका क्या कॉम्बो है जब बारिश हो रही होती है. पकौड़ा या जलेबी या गुलाब जामुन या जो भी आप खाते हैं. वैसे समझ नहीं आ रही बारिश में कौन स्विमिंग जाता है यार. हाँ जी एंजॉय किया बच्चों. लो जी बच्चों का स्विमिंग सेशन फाइनली खत्म हो गया है. अब आई थिंक ऑफ कोर्स भूख लगी होगी इनको. बच्चों क्या खाना है आपने. स्टेक हाउस. स्टेक हाउस देख लो बच्चिया नु भी महंगे महंगे शॉप पे गए ने. स्टेक खाना जी स्टेक. उन मैकडोनल्ड्स नु भी भूल गए मैं. बेगम तुसी की खाना है. मैं आप जो मर्जी खिला दे मैं खा लूंगी. क्षेत्र खिला दे. क्या डिसाइड हुआ है फिर क्या खाओगे. The peri peri steak or the barbecue steak? आपने क्या खाना है? Sliders. Oh God, this is good. लो जी मरोक्कन चिकन आ गया जी. स्टेक मजेदार है. Enjoying? ये बस enjoying? चेक करें जी मौसम अभी भी फुल रोमांटिक हुआ पड़ा है. बेगम देख ले मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी. माहौल बन गया ना आज. सो गाइस जैसा आप देख सकते हैं फोटो शूट हो रहा है भाई. पीएस वेयर का न्यू माल आ चुका है. ये मॉडल कितना खुश है. ये दिखा दें कि दिखा दें क्या कमाल किया. ओए होए होए शूट हैवी शूट इधर भी हैवी शूट हो रहा है.
दिखाएं कैमरा जरा। ओए हो हाँ जी मॉडल 2020 मॉडल जरा डब्बियां दिखा दे, जरा दिखा दे आज सारे फैंस को साले वाली डब्बियां। ओए ओए मुंडा जेड़ा है ना हाथों बाहर हो रहा है, नाली वेल्डिंग करने चल रहा है। न्यू आर्टिकल्स आ गए हैं। अरे गाइस तो मैंने अपना सामान पैक करके गाड़ी में रख लिया है, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट से हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको व्लॉग आगे आगे देखना पड़ेगा। अरे गाइस तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया हूं और मैं आया हूं यूके इंग्लैंड। यस भाई जो है दोबारा वलैत आ गया, परदेसी जड़ा दोबारा परदेसी हो गया। अब सीन ये है कि मेरा दोस्त जैन मुझे लेने आ रहा है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्लान क्या है। भाई ले गाइस फाइनली जैन भाई हमें लेने आ गए हैं। ये आधे घंटे से मुझे अंदर ढूंढ रहे थे और मैं बाहर खड़ा था। पाकिस्तान याद ना लंच कर देने वलायती लोग। तो अब मुझे बता कि प्लान क्या है भाई, क्योंकि भूख बड़ी लगी है। हम जाएंगे नफीस पे नाश्ता करने। तो भाई आप यही सोच रहे होंगे कि मैं वलायत आके ऑमलेट टोस्ट बीन्स खाऊंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हम देसी नाश्ता करेंगे, देसी नाश्ता करेंगे प्रॉपर। देखो लो जी खाबे खुल गए ने, वलैत आ गई भी पाए ने, इतने ना ब्रेकां नहीं लग रही है। देखो जी लस्सियाँ आ गई ने, ते छोले भी आ गए ने, ते हलवा भी आ गए। लियाओ जी लियाओ पूड़ियाँ लियाओ, लस्सी ट्राई करिए जरा। ओए 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 लेवल है पाए लेवल, उन्हें थोड़ी देर बेहोशी वाली हालत हो जानी मेरी। लो जी पूड़ियाँ आ गई जी, आए मजे जैन मजे। ओए तू वहां भी निकल रहा है पाड़ता तू बड़ी पाड़ती तू। लो जी नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं ट्रैफर्ड सेंटर है ना। जैन भाई जो है हमें मैनचेस्टर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में लेके आए हैं। तो कह रहे भरा साडा आया पाकिस्तानो आंदे शॉपिंग करानी है। आंदे इतना प्यार। ओए शॉपिंग मॉल अजे बंद है। अच्छा अभी बंद है, अभी हम इंतजार करेगा। 4 मिनट रहते हैं खोलने में, अब 2 रह गए। अभी दो मिनट रहते हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं उतनी देर। हम जरा पुंडी शुंडी कर रहे हैं, नियरली एक्सपायर होने वाली है। देखो और माल आ रहा है। लो जी खुल गया शॉपिंग मॉल खुल गया। तो हम असी थोड़ी जी शॉपिंग करेंगे, विंडो शॉपिंग। देखें अभी खुल रहे हैं मॉल, शटर ऊपर हो रहे हैं और हम जो है सुबह सुबह आ गए। यार बड़ा अच्छा मॉल है, खजूरां ले रख्त भी लगे उस्ताद। ऐ देखो जी साड़ी बाजी जारा, यार नसरीन लिए कच्ची ले ली। 10 साल तो नसरीन ने एक ही कच्ची पाई है। इन्होंने डिजाइन बना के मोरियां की, नसरीन की नेचुरल मोरियां हुई है। परदेसी ने गोलियां मारी है नसरीन ने। कच्चे कच्चियां गंदियां कच्चियां। या 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 आए धुप निकलाई धुप निकलाई, परदेसी धुप लिया पाकिस्तान। अरे गाइस तो अब मैं जैन भाई के घर आ गया हूँ और यकीन करिए इतना टुन हो गया हूँ लस्सी पी के। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगा हूँ। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी नानी जान को बिल्कुल नहीं पता कि मैं यूके आ गया हूँ। सो अगले व्लॉग में हम उनको सरप्राइज देंगे और उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। सो अगला व्लॉग देखना मत भूलिएगा।